तो हरदा से आ रही बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं हूं अपर्णा मौजूद और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हरदा से बड़ी खबर है जहां पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। जी हां, थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेश करेगी आरोपियों का पुलिस। सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा और साथ में रफीक खान की भी पेशी होगी। बड़ी खबर, आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है कोर्ट में पेश किए जाने से पहले और थोड़ी देर में इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में जो हादसा हुआ था उसमें 11 लोगों की जान चली गई थी, 217 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और जो वो मालिक हैं फैक्ट्री के वो गिरफ्तार हो चुके हैं। कोर्ट में अब पुलिस उन्हें पेश करेगी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हरदा संवाददाता प्रवीण तंवर जुड़े हुए हैं फोन पर। प्रवीण, कोर्ट में अब पेश किया जाएगा आरोपियों को, जाहिर सी बात है पुलिस इनकी रिमांड लेगी, पूछताछ करेगी। जी हाँ सुमित जी, ये जो पूरा मामला है कल का है और ये जो फटाखा फैक्ट्री थी उसके मालिक थे राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, इन लोगों के नाम पर जो है आतिशबाजी का निर्माण करने के इन लोगों के लाइसेंस थे और पुलिस ने इस मामले में सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज किया था और उसी के तहत इनकी सारंगपुर में इनकी कल रात को गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद इनको सिवनी मालवा थाने में रखा गया था और जहां से सिवनी मालवा थाने से इनको टिमन्नी लाया गया और टिमन्नी अस्पताल में इनका मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के बाद पुलिस इनको अब जो है हरदा जिला न्यायालय में पेश करने के लिए निकल चुकी। कुछ ही देर में आरोपी सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और रफीक खान को हरदा जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस के जो सूत्र है उनके जरिए हमको जो सूचना मिली उसके तहत पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों का पुलिस रिमांड कोर्ट से मांगेगी। जी बिल्कुल प्रवीण, अब इस हादसे के बाद खबरें ये भी आ रही थी कि अवैध पटाखा फैक्ट्री को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त था और जब इन आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी तो कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। प्रवीण जी हाँ, इसमें जो सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि जो राजू अग्रवाल की जो फैक्ट्री थी उसके फैक्ट्री में उसने बेसमेंट बना रखा था और बेसमेंट में काफी बड़ी मात्रा में जो इसने बारूद स्टॉक कर रखा था और यही कारण रहा था कि जो बारूद के जो ड्रम इसकी फैक्ट्री में रखे हुए थे वो ड्रम में जब विस्फोट हुए तो वो कई किलोमीटर दूर जाके जो है खाली ड्रम, एक एक दो दो किलोमीटर दूर जाके जो है खाली ड्रम गिरे हैं। तो इसने जो बारूद स्टॉक कर रखा था उसकी कितनी फैक्ट्री की परमिशन थी, कितना बारूद रखा हुआ, बातों का भी खुलासा होगा। साथ ही ये बातें भी सामने आएंगी कि किन लोग, कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए थे जो इसके अवैध काम में इसको प्रेशर दे रहे थे। जाहिर सी बात है प्रवीण, बिना मिली भगत के तो इस तरह से इस कार्य को अंजाम दे पाना मुमकिन नहीं था और अब तमाम खुलासे होंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी और साथ ही जो एक्सप्लोजिव एक्ट है उसका भी यहाँ पर किस तरह से उल्लंघन किया गया, बना भी रहे थे और एक जगह पर सामान रखा भी गया था और साथ ही आशंका तो इस बात की भी है कि कहीं पटाखों की आड़ में कुछ और तो नहीं बनाया जा रहा था। जी हाँ, जिस तरीके की बातें सामने आई है कि ये फटाका जो फैक्ट्री थी जो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बारूद इकट्ठा होना और इस तरीके के निर्माण कार्य होना, तो इस एंगल पे भी पुलिस जांच करेगी क्योंकि इसमें हरदा और खंडवा का जो इलाका है वो सीमी आतंकियों से भी हमेशा केंद्र रहा है उनका और हरदा तो साइलेंट जोन माना जाता है, तो निश्चित तौर पर पुलिस इस एंगल पे भी जांच करेगी क्योंकि यहाँ जो फटाका फैक्ट्रियां संचालित होती है वो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बारूद इकट्ठे करके रखते हैं और ये पुलिस इस बात की जांच करेगी कि पहली बात तो इनके पास इतना बारूद आता कहाँ से है और ये इस बारूद का करते क्या है। जी ठीक है प्रवीण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे, बारूद के ढेर पर हरदा शहर बसा हुआ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरदा में कई पटाखा फैक्ट्रियां चल रही हैं। न्यूज 18 ने ढूंढी है एक और अवैध फैक्ट्री, विस्फोट कांड के आरोपियों की ही ये पटाखा फैक्ट्री भी है। घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर है ये अवैध फैक्ट्री, मौके पर बम और बारूद का जखीरा भी मिला, ये देखिए तस्वीरें। तो न्यूज 18 की टीम ने ढूंढ निकाली है ये एक और अवैध फैक्ट्री, ये भी उस उन्हीं मालिकों की फैक्ट्री है, अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर फैक्ट्री का ये भंडाफोड़ किया गया है, क्या क्या फैक्ट्री के अंदर है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बम और बारूद का जखीरा मिला है, हम इसीलिए कह रहे हैं कि हरदा शहर बारूद के ढेर पर बसा हुआ है, कई अवैध फैक्ट्रियां, अवैध पटाखों की फैक्ट्रियां यहां पर
संचालित हैं। बारूद के ढेर पर बसा हुआ है हरदा शहर, कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। न्यूज 18 ने इसका खुलासा किया और एक और अवैध पटाखा फैक्ट्री को ढूंढ निकाला। फैक्ट्री के विस्फोट की आग अभी भी सुलग रही है, लेकिन हम अभी उसी रोड पर 1 किलोमीटर आगे हैं जहां पर एक दूसरी फैक्ट्री, आप देखिए किस तरह बारूद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये रस्सी बम बनाने का काम यह चलता था, ये पूरी फैक्ट्री इलीगल तरीके से चल रही थी। आप देखिए यहां पर रस्सी नजर आ रही है, किस तरीके से यहां पर रस्सी बम बनाने का काम चलता था। और ये देखिए आप यहां पर ये किस तरह यहां पर बारूद है, पटाखों की सारी सामग्री है यहाँ, जिस तरह रस्सी बम बनाए जाते हैं, जहाँ बाल मजदूरों से काम कराया जाता था। और इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते थे। और ये बारूद की आपको देखिए बोरी भरी हुई दिखाई दे रही है, मतलब किस कदर से लापरवाही की एक ये स्थिति है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। हमने जब इस फैक्ट्री पर कर पता चला कि यहाँ पर क्या स्थिति है, तो हम आपको और भी लोग दिखाते हैं जिनसे बात करते हैं, स्थानीय रहवासी हैं जो यहाँ पर गुस्से में हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो फैक्ट्री के जो लोग थे सब कल से घटना के बाद काम छोड़कर भाग चुके हैं। ये देखिए आपको ये यहाँ पर किस तरह रस्सी बम बनाए जाते हैं, ये पूरी सुतली बम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारा यहाँ पर इन्हें रंग करने के बाद हरे रंग में यहाँ पर रखा जाता है। ये देखिए ये डब्बी लपटाई यहाँ पर, ये पूरी फैक्ट्री अभी सब लोग काम करने वाले से भाग चुके हैं, यहाँ कोई दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और यह फैक्ट्री भी उसी व्यक्ति की है जिसने पटाखा फैक्ट्री को जो विस्फोट हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए लाइसेंस नंबर ये लिखा है, लाइसेंसधारी सोमेश नंदलाल अग्रवाल, स्टॉक रूम है, इसकी क्षमता है 1500 किलोग्राम। तो ये वो फैक्ट्री है जहां कितनी बड़ी मात्रा में टनों से माल भरा है, बारूद ही बारूद है। यही वो आरोपी है जिसे कल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी फैक्ट्री में इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद इस फैक्ट्री पे कोई देखने वाला नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए चारों तरफ बारूद का स्टॉक ही स्टॉक नजर आ रहा है। ये देखिए आप, ये पूरे सुतली बम यहाँ पर सूखते हुए दिखा रहे, सब बारूद है इसके अंदर, ये जानलेवा है। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर वो रंग सब चारों तरफ रस्सी बम ही रस्सी बम है। यह फैक्ट्री बहुत ही रिस्की है, बारूद ही बारूद है, लेकिन अभी तक ना कोई पुलिस का महकमा, प्रशासन का महकमा इस फैक्ट्री को सील करने पहुंचा है, ना किसी ने इसकी सूद ली है। ये देखिए तैयार रस्सी बम भी आप दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि पूरी तरीके से तैयार हो चुके, किस तरह लावारिस अवस्था में पड़े, इनमें बत्ती भी है, सुतली भी है। और यही फैक्ट्री उसी आरोपी की है। स्थानीय लोगों में भी बहुत गुस्सा है कि आखिर इसको इतने लाइसेंस की मंजूरी क्यों दी गई, कैसे दी गई। यह बताया जा रहा है कि जो आरोपी तो अब पुलिस अभिरक्षा में है, लेकिन उनके मजदूर सब भाग चुके हैं और अब यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ये पूरी फैक्ट्री लावारिस पड़ी हुई है। आपका आपका क्या नाम है आपका? हम फैक्ट्री में आप लोग आए, यहाँ क्या नाम है? हम खेती किसानी, हमारी फसल के ऊपर बारूद छायल है। अच्छा, ये तो आपकी किसकी ये फैक्ट्री अलग है, खेत अलग है? जमीन हमारी है, फैक्ट्री वाला अलग मालिक है, फैक्ट्री रिश्ती है, ये बाउंड्री दिख रही है। तो ये कब से चल रही है फैक्ट्री? कम से 15-20 साल से चल रही है। तो यहाँ इतना बारूद है, आप लोगों को डर नहीं लगता इतने? तो क्या कर रहे, हमारी जमीन छोड़ के भागे फिर क्या? तो आप लोग बोलते हैं, शिकायत की कर दिया, शासन तक पहुंच गई खबर, कहीं मर गया, कहीं खबर लग गई, देर देर के वहाँ के बाद हो गया। तो यहाँ कौन से लोग, कैसे लोग काम करने आते हैं? बाहर के भी हैं, गांव के भी हैं। तो यहाँ काम करने किस उम्र के बच्चे भी आते थे? 15 साल के बच्चे 10 साल के आ गए, 5-5 साल के बच्चे आते, स्कूल नहीं जाना, कई भाई उन्हें गोदी में लगी बच्चे कुछ पीते। तो आपका खेत है, आपने भी शिकायत भी की, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुनवाई हो रही है। अब सब यह देखना होगा कि आखिर जो मासूम मारे गए हैं, गरीब मजदूर, उनको कब न्याय मिलेगा। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 हरदा।